नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज लाइव। साल 2020 में पूरा देश कोरोना से जूझता रहा, इंतजार था कि कोरोना वैक्सीन आएगी। 2021 जैसे ही आया ये तोहफा भी मिला। हिंदुस्तान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल 3 जनवरी को मिला। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है और हम 10 दिन के अंदर टीकाकरण अभियान लार्ज स्केल पर पूरे देश में शुरू कर सकते हैं। तो इस बात से प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि मुमकिन है हिंदुस्तान में टीकाकरण 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो सकता है। लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन है वो भारत सरकार को लेना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत ही पुरजोर तरीके से ये बात रख दी है कि हमने मॉक ड्रिल्स की है, हमने पूर्वाभ्यास किया है और हमारी तैयारी पूरी है। जैसे ही हमको भारत सरकार की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलता है, हम पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत कर देंगे। चाहे वो सवाल स्टोरेज का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का हो, हर तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री की तैयारी पूरी है। तो बहुत ज़्यादा इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि मकर संक्रांति से पूरे देश में हर खास आम के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर इसके स्टोरेज की व्यवस्था क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था क्या है। असल में पूरे देश में भारत सरकार ने 4 केंद्र ऐसे बनाए हैं जहाँ पर इन 2 कंपनियों से, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से, ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये जो 2 टीके हैं, ये उन 4 पॉइंट पर पहुंचेंगे। पहला पॉइंट करनाल, दूसरा पॉइंट कोलकाता, तीसरा पॉइंट मुंबई और चौथा पॉइंट चेन्नई। ये 4 दिशाओं में अलग अलग हैं ताकि अलग अलग स्टेट्स में इन 4 भंडारण पॉइंट से स्टेट गवर्नमेंट टीका हासिल कर सके। इसके बाद पूरे देश में अलग अलग स्टेट में कुल 37 डिपो ऐसे बनाए गए हैं जहां पर ये अलग अलग स्टेट्स में टीके रखे जाएंगे। यानी इन 4 पॉइंट से स्टेट गवर्नमेंट टीका कलेक्ट करेगी और अपने यहां ले जा करके उसको स्टोरेज में रख लेगी। इसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहां के जो वैक्सीनेशन पॉइंट है वहां पर इन वैक्सीन को पहुंचाएगी। मसलन वो जो वैक्सीनेशन पॉइंट है वो वहाँ का कोई ज़िला हॉस्पिटल हो सकता है, वो वहाँ का कोई प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, वो कोई निजी हॉस्पिटल हो सकता है। तो हर जगह पर इन पॉइंट्स की भी मार्किंग की जा चुकी है। किन लोगों को देना है, ये वैक्सीन कैसे देना है, इसके लिए भी तैयारी पूरी है। भारत सरकार ने तय किया है कि पहले 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ लोग स्वास्थ्यकर्मी होंगे, 2 करोड़ लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे। जब मैं फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात कह रहा हूं तो इसमें सिविल डिफेंस के लोग शामिल हैं, इसमें पुलिस के लोग शामिल हैं, इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने फ्रंटलाइन में आकर के कोरोना से फाइट करने में आम लोगों की मदद की। तो इस तरीके से ये 3 करोड़ लोग हैं। इसके बाद 27 करोड़ वो लोग हैं जो आम लोग हैं। इन आम लोगों को कैसे चिन्हित किया जाएगा, कैसे चुना जाएगा, इसके लिए भी काम चल रहा है, लेकिन मोटा मोटा एक प्रारूप तैयार हो गया है। ऐसे लोग जो 40 साल से ऊपर हैं और जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसरस हैं, डायबिटिक हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को कोरोना वायरस बहुत जल्दी पकड़ता है, तो इन लोगों को ये टीका दिया जाएगा। ऐसे लोग जिनको कोरोना हुआ लेकिन अब वो ठीक हैं, कोरोना वायरस अक्सर दोबारा भी अटैक करता है, तो ऐसे लोगों को भी ये वैक्सीन दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, जब वो ठीक हो जाएंगे उसके 14 दिन के बाद उनको भी ये टीका दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को पिक करने का ये जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है, जारी है। अब आम आदमी जो इसको टीका, जो कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहता है, वो क्या करे, इसके लिए एक कोविन ऐप बनाया जा रहा है। इस कोविन ऐप के जरिए एक आम आदमी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो अपनी डिटेल्स उसमें फिलअप करेगा, उन डिटेल के विहार पर उसे एक मैसेज मिलेगा और उस मैसेज में उसे ये बताया जाएगा कि उसे अपने स्टेट में, अपने मोहल्ले में किस वैक्सीनेशन पॉइंट पर पहुंचना है, वहां जाकर के वो टीका लगाएगा। अब हर शख्स को 2 टीके की डोज मिलेगी, यानी पहला टीका और उसके बाद कुछ सप्ताह के बाद दूसरा डोज, तो 2 टीके हर शख्स को लगाए जाएंगे। बहरहाल
जब ये दोनों टीके उसको लग जाएंगे तो उसको एक डिजिटल प्रमाण पत्र भी कोविन ऐप के जरिए मिलेगा, जिससे ये तय हो जाएगा कि इसको कोरोना वैक्सीन की पूरी डोज मिली है। बहरहाल ये सरकार की तैयारी है, सरकार का एक तरह से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री की तैयारी पूरी है और सरकार ने भी अपने अपने हाथ जो है मजबूत कर लिए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो बहुत जल्द अब ये वैक्सीन हम सब के लिए उपलब्ध हो रहा है, हम सबको मिलने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस वैक्सीन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसे लेकर के आप कमेंट कीजिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए।